जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और यहाँ देखिए, मैं लगा रही हूँ बैग, यानी कपड़े की पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि अब लग रहा है कि जाना ही जाना है अब तो, क्योंकि शिवानी का जो दर्द पेन है वो होता है, फिर रुक जाता है, होता है फिर रुक जाता है, लेकिन अब हमें जाना ही होगा। तो मैंने कहा मैं पहले सबसे पहले बैग लगा लेती हूँ कि इसमें कौन कौन से कपड़े मुझे रखने हैं, सॉक्स वगैरह हैं, इसके कपड़े, शॉल, स्वेटर, स्कार्फ और कुछ कपड़े वैसे भी रखे जाते हैं, तो वही मैं सारे बैग लगा रही हूँ, क्योंकि और ऑलरेडी ठंड है ना, तो ठंड में तो वैसे भी कपड़े और भी बढ़ जाते हैं, तो वही सब एक एक देख के रख रही हूँ कि क्या रखना है और क्या क्या इसमें जो पहले से रखा हुआ। वैसे मैंने पहले एक दिन लगा दिया था, लेकिन फिर भी अब मैं उसमें देख रही हूँ कुछ कपड़े की ज़रूरत जो नहीं है वो मैं हटा रही हूँ, वही मैं देख रही हूँ इसकी मैक्सी, पेटीकोट वगैरह, मतलब सारे कपड़े मैं एक एक करके देख के रखती जा रही हूँ। और वैसे भी हमारी तैयारी पहले से ही थी, बट ये था ना कि और देख लेंगे जिस टाइम जाना होगा हमें। और शिवानी ऊपर बैठी हुई है, जो कपड़े इसके हैं वो बताती जा रही है कि इसमें है, ये है, और इसे ना पेन हो ही रहा है, टहल लेती है, फिर बैठ जाती है, फिर लेट लेती है, इसी तरीके से अपना टाइम पास कर रही है वो। और जो नीचे दीदी हैं वो बीच बीच में आती रहती हैं, सब कुछ बताती जाती हैं, वो भी शिवानी को कम से कम दिन में 3-4 बार देखने आती ही आती हैं, देख लेती हैं आगे इसकी पोजीशन। और हालांकि अभी ये बैठी हुई थी, बट ना फिर इस दम से इसके दर्द उठा, तो बस आके यहाँ लेट गई। मतलब थोड़ा इसे आराम मिलता है तो कुछ खा पी लेती है, टहल लेती है, और फिर एकदम से रखी हुई रह जाती है। और वैसे हम डॉक्टर को चेकअप पूरा करवा आए थे, बोल रहे थे कि कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बट जब आपको लगे ना तब ला करके एडमिट कर देना। तो मैंने शाम से ही बोला दीदी से, तो दीदी बोल रही थी नहीं अभी थोड़ा और होने दो तब चलेंगे, तो बस वही शिवानी लेटी हुई है, तो मैं पूछ रही थी कुछ ले आऊं खाने के लिए, तो मना कर रही है कुछ नहीं खाना मुझे, मैंने कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसा तो खाली मत रहो पेट, कुछ भी कुछ खा लो। तो मतलब आज तो वो कुछ खा पी भी नहीं रही, मतलब आज उसका आपका फेस दिख ही रहा होगा कि एकदम नर्वस है, कुछ खा पी भी नहीं रही वो। और टेंशन में भी ये बहुत ज़्यादा है, मैंने इसको समझाने की इतनी कोशिश की है कि शायद मेरे बराबर कोई समझा नहीं सकता, लेकिन बोलते हैं ना कि एक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और तो टेंशन तो खैर होती है, हर किसी को होती है। और यहाँ मैं लाई थी चाय बना के, मैंने कहा शायद चाय पी ले, तो मैं देने जा रही हूँ उसको चाय, तो इसने चाय के लिए भी मना कर दिया। मैंने जैसे चाय लेके गई तो रोने सी लगी, तो फिर मैंने वापस कर ली, मतलब उसने चाय भी नहीं पी कुछ, मतलब खा भी ही नहीं रही थी कुछ। और यहाँ मैं उसके लिए ज़बरदस्ती लेके आई हूँ, पनीर बनाया हुआ था, तो मैंने कहा कम से कम आधी एक रोटी खा लो, तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ, किसी तरीके से मना के खिला रही हूँ, समझाती जा रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, खा लो, फिर हो सकता है तुम्हें कुछ मंगा दे। हमारे यहाँ ना 5-6 दिन तक मतलब खाना नहीं देते, ऐसी चीज़ देते हैं जैसे दलिया हो गया, मतलब सारे तरल पदार्थ ही देते हैं, गरम गुड़ वाली चीज़ें। और यहाँ हो रहा है इसके पेन, एकदम से खा के बैठी, फिर इसके बहुत तेज़ से पेन होने लगा, मेरा जो सामान मैं पैकिंग कर रही थी मेरा धरा का धरा रह गया, मतलब बहुत तेज़ी से मतलब रोने लगी। चल रहा है, हम लोग
और नीचे से दीदी आई हुई है, बोली थी कि थोड़ा टहलो शिवानी, बैठो मत, थोड़ा टहलो, ऐसे में ना टहलना बहुत अच्छा है, मतलब बैठो मत, बस हम लोग चलने ही वाले हैं, निकलने वाले हैं, तो ऐसा करो टहलो। अब रात के बज रहे हैं 10:30। बोले थे तब तक नीचे भैया से बोल दिया गाड़ी लेके आ रहे हैं, तब तक तुम क्या टहलो, मतलब उस बहुत समझा रही, मतलब दीदी हमारी बहुत हिम्मत देती हैं शिवानी को, जितनी भी इसको समझा सकती हैं। तो वही बोल रही थी कि आप और हम इसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं और इससे बोलते हैं कि ये टहले। और यहाँ मैं भर रही हूँ पानी की बोतल, वही पानी भी घर से ही लेके जाएंगे, पानी देना हुआ, मैंने गुनगुना पानी किया हुआ है, गरम गरम पानी में भर रही हूँ, सर इसको पानी वानी पिलाना हुआ। तो बाकी सारा सामान हम लोगों ने लगा ही लिया है और रात के अब बज रहे हैं 11:30 और गाड़ी नीचे आ चुकी है, तो बस हम लोग निकल रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान जो कुछ भी हो सब अच्छा अच्छा हो, क्योंकि वैसे भी वो बहुत डरी सहमी हुई है और पेन तो उसको हो ही रहा है, सुबह से ही हल्का हल्का था ना, थोड़ा थोड़ा था, लेकिन शाम से क्या है उसको तेज पेन होने लगा। तो बस नीचे गाड़ी आ गई है और हम लोग नीचे जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के बैठाने के लिए, और दीदी भी साथ में जा रही हैं। और सच में वो जिस दिन से आई है ना, ऐसा नहीं है कि वो बैठी रहती रही, कुछ ना कुछ करती ही रही है, इतना तो उसे भी डॉक्टर लोगों ने समझाया है कि तुम्हारे लिए ना लेटना बैठना उतना अच्छा नहीं होगा, जितना तुम चलती घूमती रहोगी और जितना टहलोगी वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो वो तो काम भी करती रही, लेकिन सुबह से ना तो वो तो एकदम शिथिल हो गई और आज तो वो लेटी ही रही है, थोड़ा टहलती थी फिर लेट जाती थी। तो सच में आज भी मुझे इसका देखना सच में बहुत मुझे वो लग रहा था, बट दर्द एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम नहीं बटा सकते, सारी चीज़ हम बांट सकते हैं, बट जो दर्द है वो उसी को ही झेलना है, हम लोग उसमें नहीं बोलते ना कि ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम बटा सकें। तो हमारी गाड़ी नीचे आके दरवाजे पर खड़ी हुई है, तो बस हम लोग बैठ रहे हैं उसमें शिवानी को लेकर के। और फ्रेंड्स पहले से हम लेकर के इसलिए नहीं गए कि यहाँ से 3-4 मिनट की रास्ता है हॉस्पिटल की, तो दीदी बोल रही थी पहले से लेके नहीं जाएंगे, वहाँ हॉस्पिटल में और भी परेशान होगी, क्योंकि टहलना ही होगा इसे वहाँ, इसे घर टहल लेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम इनको उसी टाइम पे लेकर चलेंगे, पहले से तो ये हॉस्पिटल में परेशान हो जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी इतना अनुभव तो है, देख के समझ जाती है। तो बोले थे कि उतने टाइम हम तो लेके चलेंगे, तो फिर हम लोग 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो बस हम निकल लिए हैं घर से और बस प्रभु से यही प्रार्थना करते जा रहे हैं कि हे प्रभु जो कुछ भी हो, अच्छे अच्छे हो, गर्ल हो या बॉय हो, कुछ भी हो प्रभु, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे से निपट जाए। सो फ्रेंड्स यहाँ हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में, एंटर कर चुके हैं, तो फ्रेंड शिवानी तब तक थोड़ा टहल रही थी, फिर खड़ी हो रही थी, यही कर रही थी, बैठ तो रही नहीं, तो उसे बैठते बनता ही नहीं था। और तब तक मैं सारी इसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रही हूँ, जो पहले की जांचें हैं, कागज़, ये सारी चीज़ जो जमा करने हैं वो मैं सब इसके कागज़ तैयार करवा रही हूँ। सो फ्रेंड्स आप लोगों से सबसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब लोग दुआ करिएगा कि अच्छे अच्छे निपट जाए,
और मैं यहीं पकड़ती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहे। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।